पिछले 9 सालों में नंबर एक रैंक हासिल करते आ रहा है IITians Learn। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे KIIM हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimshah Mohammed Arif। Myself Ansari Mustafa। My name is Ansari Sania। Myself Sheikh Sadaf Farjan। Myself Sheikh Nadeem। My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt। मैंने NEET 2024 की प्रिपरेशन IITians Learn से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024। I scored marks 600 in NEET 2024। I have scored 99.2 percentile in MSTCET 2024। मैंने IITians का 2-year classroom program लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। रशीद कंपाउंड में फल विक्रेता युवक पर स्थानीय गुंडों ने किया जानलेवा हमला। मुमरा पुलिस ने 12 घंटे बाद दर्ज की FIR, मगर कोई गिरफ्तार नहीं। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसर रशीद कंपाउंड में शुक्रवार 18 अक्टूबर को एक वारदात हुई है। फुरकान नाम का एक फल विक्रेता है जो ठेला लगा करके फल बेचता है, फ्रूट बेचता है। यहीं के कुछ स्थानीय युवक दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, तो कुछ नशे का सिगरेट वगैरह पी करके ये युवक उसकी गाड़ी के ऊपर आवारागर्दी कर रहा था। तो इस आवारागर्दी को और उसको वहां से दूर जाने के लिए फुरकान ने कहा, जिस पर दोनों में कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ा कि फिर इन दबंग और गुंडे युवकों ने फुरकान के साथ बुरी तरह से हथियारों से और सरियों से मारपीट की, जिसमें फुरकान गंभीर रूप से घायल हुआ है। सायन अस्पताल जाकर के उसका इलाज कराना पड़ा है। इस पूरे मामले में फुरकान ने क्या जानकारी दी, उसके भाई ने क्या जानकारी दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि फुरकान का भाई क्या बता रहा है कि सुबह से लेकर रात 11:30 बज गए मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के लिए, और FIR दर्ज तो हो गई मगर कोई आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान भाई। फुरकान भाई, आपके साथ मारपीट हुई, ये कब हुई और कहां पर हुई? जुम्मा को वहां 5 बजे कौसा में डेन आर्ट के वहां पे मैं धंधा लगाया था। किस चीज का धंधा लगा दे? सीताफल फ्रूट कोई सा भी, फ्रूट का धंधा लगा दे। अच्छा, फिर? तो दानिश आया, सिगरेट पी रहा था। कौन है दानिश? दानिश है मुनीर का लड़का। अच्छा, उसने क्या भरा था क्या नहीं, गांजा वांजा भर के पी रहा था। तो फिर उसके बाद मैं उसको बोला मेरे गृह आ रहे, उधर हट जा साइड में, तो गाली गलौज देने लगा, बोलता तेरे बाप का है क्या ये वो। तो उतने पे मैं भी कुछ बोला, तो उसके बाद वो मेरा गाड़ी को धक्का दे दिया ऐसा, मतलब पलटी करने जा रहा था। तो वहाँ पे भिड़ा भिड़ी हुआ, मारा मारी हुआ, मेरा हाथ उसके मुंह पे लग गया, नाखून खाली हल्का से। तो फिर वहाँ पे मैं उन लोग गाली गलौज दिए, बोले चलो रसीद कंपाउंड में तुम्हारी मां चूतता हूँ, ये करता हूँ, खाली गाली बोल चले गाली। वहाँ पे रसीद कंपाउंड में बोले चलो तुमको मारता हूँ, ऐसा वैसा करता हूँ, गाली दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं धंधे पर से आ रहा था, तो मेरा भाई क्या किया, मेरे भाई लोग को इन लोग बुलाए, तो मेरा भाई दवाई दिला रहा था जाहिर डॉक्टर के इधर। अच्छा, हाँ, तो भाई मेरा देखो क्या बोलता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज। मुमताज भाई, फारूक भाई के साथ मारपीट हुई, उसके बाद फुरकान भाई के साथ, उसके बाद डॉक्टर जाहिद के दर आप गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था और कितने बजे गए थे आप? इन लोग मिले तो मेरे को चौक पे, मतलब यहाँ डेरिक पास, तो इन लोग मिले तो वहाँ पे सब लोग आपस में फील्डिंग बना रहे थे, मतलब लफड़ा फड़ा करने के लिए। तो मैं दो एक जन और मिले, बोले समझौता करा लो, सब लोग अपने के हो, क्यों भाई अब दूसरे थे। फिर मैं बोला अच्छा ठीक है, मेरा भाई आएगा तो उसको मैं मारता हूँ अगर ऐसा कोई तरह का लफड़ा हुआ होगा तो। फिर मैं बोला चल दवा हुआ दिला दे, तो उसमें दो चार जन और समझाए उसको, चलो आपस के समझ लो। फिर बोले हाँ चलो ठीक है समझने के लिए। फिर मैं गया जाहिर डॉक्टर से, दवा दिलाया उसको, सब कुछ दिलाया। किसको दवा दिलाया आपने? मुनीर के लड़के को, दानिश को। अच्छा, दवा दिलाया, दवा दिलाया, जो नाखून लग गया था आपके भाई का, नाखून लग गया था। हाँ। तो दवा दिलाने के बाद इन लोग जो ना कम से कम 20-30 जने आए, बोले अच्छा बुलाओ समझौता करा देते, यहाँ से खत्म हो गया। तो मैं अपने भाई को बुलाया, मैं भाई भाई वहाँ कर रहा, बोला सब जन आपस को समझौता कर लो भाई, खत्म हो जाए उसको मारने का, चलो मैं तुम्हारे सामने मारता हूँ, नहीं तुम अपने हाथ से मार लो। मैं बोला ये बात पूरे कंपाउंड भर में मालूम है भाई। और उसके बाद जो ने फिर बुलाया अपने भाई को समझौता कराने के लिए, इन लोग जो ने चक्कू छुपा के रखे थे, राड लोखन का,
बटन वाला, वो ऐसे कमर में छुपा के रखे थे, मारना शुरू कर दिए तो मेरा भाई गिर गया जगह पे। भाई हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ पे जो है तुरंत हॉस्पिटल पुलिस चौकी लेके गया पहला, तो चौकी में जो है बोला कि जाँच उसको दवा खिलाओ मेडिकल कराने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद जो वहाँ मेडिकल कराने गया तो फिर वैसा ही सब बात बोला, दवा कराया, वहाँ मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि कहाँ गए थे आप मेडिकल कराने? शिवाजी हॉस्पिटल, शिवाजी में। अच्छा। तो वहाँ गया तो वहाँ जो ने रिपोर्ट उपोर्ट निकाले तो वहाँ अच्छा खराब बताया कि इसमें सीरियस है, मतलब वहाँ लेके जाओ मुंबई। साइन लेके गया फिर मैं। अच्छा। साइन लेके गया तो वहाँ फिर दवा इलाज करा के लेके आया भाई। अच्छा। तो कहाँ कहाँ मार लगा था आपके भाई को? सर पे पूरा फट गया भाई, सर हाथ पे भी लगा थे, यहाँ ये हाथ काम नहीं कर रहा मेरे भाई का। अच्छा। अब अभी चक्कड़ उक्कड़ बहुत आ रहा है, अब तो पेट में पूरा ये जलन हो रहा है, मतलब जैसा राड मारे ना मेरे भाई का खाना पीना नहीं खा रहा है बराबर, न बैठ पा रहा है न बराबर खड़े हो पा रहा है। तो ये मारने में कितने लोग थे और कौन कौन थे, कुछ नाम वगैरह पता है? रमजान की लड़का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इरफान। अच्छा। ये तूफान का नाती है, तूफान के नाती का नाम है अमन। अच्छा। और मुनीर के लड़का है दानिश, और करम कालिया है। अच्छा। ये चार लोग मेन थे, मतलब मारने चार लोग मेन थे मारने, और इनके साथी और थे। इनके साथी और थे, मतलब पूरी फील्डिंग बनी थी, मेरे को नहीं मालूम था कितने। रशीद कंपाउंड में जाहिद डॉक्टर के पास ही मारपीट हुई। मैं दवा दिला दिया, एक बात को इंक्वायरी करने का है तो जाहिद डॉक्टर से कर सकते आप। तो आप ये MLC कराकर आपने मेडिकल करवाया शिवाजी में, फिर वहां से आप साइन गए, साइन से फिर आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए। मुमरा पुलिस स्टेशन। तो मुमरा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ आपका, क्या FIR दर्ज की गई और कब गए थे आप, कितने बजे FIR दर्ज हुई आपकी? मैं सुबह 9 बजे गया तो 11:30 बजे FIR हुआ। रात में मतलब कम से कम 14 घंटा आपको बिठाया गया। 14 घंटा बैठा ले। FIR हुई रात में 11 बजे। रात में 11:30 बजे करीब में हुआ है। तो ये लोगों को अरेस्ट वगैरह किया, ये चारों में से किसी को? दो को बैठा ले थे रात में, फिर छोड़ दिए भाई। अच्छा। दो को बिठाए थे? हाँ, दो को बैठा ले तो 2-4 घंटा बैठा ले थे, फिर छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिए फिर। हाँ। किस किस को बिठाए थे? अकरम को बैठा ले थे, मुनीर को। अकरम और मुनीर? हाँ, दानिश के बाप को। फिर छोड़ दिए लोगों? छोड़ दिए। तो अकरम का नाम तो FIR में भी था, तो उसको बिठा के फिर छोड़ दिए पुलिस ने? हाँ, छोड़ दिए भाई, 2-3 घंटा बैठा ले तो उसको छोड़ दिए। तो अभी हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत की थी, उनका ऐसा कहना है कि इनकी ऐसी दादागिरी चलते रहती है, ये ऐसी दादागिरी करते, हर किसी को मारपीट करते, ऐसा बता रहे थे। हाँ, मतलब सब कोई भाई जबरदस्ती छेड़छाड़ के लड़ाई करते रहते, जब देखो जब छेड़ते और लफड़ा करने लगते बोलते मेरे लड़के गलती नहीं है। अच्छा। अब कोई तरह की बात बोलो तो बोलते ना मेरे पूरी चौकी में कुछ होगा, ना कहीं तू जाएगा तो मेरी सुनवाई नहीं होगी, तू कहीं आ जा कुछ भी नहीं मेरा कुछ कर पाएगा। और छुड़ाने में मैं वहाँ समझौता में जो है छुड़ा रहा था तो मेरे को भी मारे उन लोग। अच्छा, तुमको भी मारे? हाँ, मेरे को भी मारे। मेरा यह पैर सूजा है, देखो यहाँ पे पूरा सूजा है पैर में। मेरे को भाई इंसाफ चाहिए बस मेरा भाई को।